जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रग्रहण। 10 तारीख को चंद्रग्रहण होने वाला है। उससे पहले आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, कई सारी बातें आपने पढ़ी होगी, कई सारी बातें आपने जानी होगी। आपके लिए वो चंद्रग्रहण कैसा रहेगा, उसमें क्या खास है, क्या नेगेटिव चीज़ें, क्या अच्छी चीज़ें, उन सब पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चंद्रग्रहण है, ये आपको किसी भी प्रकार से कोई डरने का विषय नहीं है। हर मोर्चे पर आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपके साथ एक पॉजिटिव सकारात्मक घटना घटित होगी, और वो आपके लिए एक नया, एक सकारात्मक खुशी लेकर आएगी। तो ये चंद्रग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत रखिए। बस थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी है, चंद्रग्रहण को देखने से बचना है, चंद्रग्रहण के प्रकाश में आने से आपको बचना है। साथ ही साथ आपको गर्भवती महिलाओं को भी इस चीज़ से बचना चाहिए, चंद्रग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचें, कुछ पीने से बचें, और इन सावधानियों को आपको बरतना है, जो कि सामान्य सावधानियां है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जिसको आप फॉलो भी करते हैं। अब रही बात चंद्रग्रहण में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको बहुत फायदा हो। चंद्रग्रहण में आपको राम का नाम लेना चाहिए, या आपके जो भी इष्ट देवता है उनका आपको जप करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो एक बहुत बड़ी सत्ता है, ईश्वर एक बहुत बड़ी अपने आप में मंत्र है। तो ईश्वर का नाम ले, आप जितना जप करेंगे ईश्वर का, उतना आपके लिए सकारात्मक, पॉजिटिव और आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण में एक सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण अभी हुआ 26 तारीख को, और 10 तारीख को चंद्रग्रहण हो रहा है। एक साथ दो ग्रहण एक ही अमावस और पूर्णिमा पे अभी हो रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है हर राशि के जातक के लिए, और आपके लिए खासकर बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, आर्थिक उन्नति होगी। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वर्ल्ड वार जो है, विश्व में जो माहौल है वो थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन संभावना ये भी है कि वो सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये जो 15 दिन में इस तरह का ग्रहण होने से एक वर्ल्ड लेवल पर ये चीज़ हो सकती है, जिसका भारत पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये भी आपको मैं कह दूँ। जैसे कि इराक में अभी जो हुआ, अमेरिका ने हमला किया, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अभी ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको आग लगेगी महीने महीने भर तक, 30 दिन तक इसका प्रभाव जो है वो जरा तेज रह सकता है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सकारात्मक और नए आयामों के मंथन का समय है, इसमें कुछ नया निकल कर आएगा, सीधी सी बात मैं आपको कहने लगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप खुलकर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।